भाई फाइनली आ चुके हैं धोलावीरा। पता है कि 250 एकड़ में ये फैली हुई है। खुदाई के दौरान क्या क्या निकला हुआ है यहाँ पे देखो, इतनी सारी चीज़ें। तो भाई अब यात्रा स्टार्ट हो गई है नई, जो कि अब जाएगी कालो डूंगर से धोलावीरा की तरफ। और अभी हम दिखाएंगे हम आपको रोड टू हेवन। अभी देखो ये रोड टू हेवन, अभी यही रास्ता जा रहा है रोड टू हेवन को, देखो ये बन रहा है। कोई नहीं, अच्छा रोड दिखाएंगे अभी आगे, मतलब उस वे पे आ गए हम जो कि खावड़ा से कटता है। अभी यहाँ से 30 किलोमीटर का ये ट्रैक रहेगा धोलावीरा के लिए खादीरबेट तक। ये एक्चुअली खादीरबेट में आता है और अपना यहाँ से अभी धोलावीरा लगभग 60 किलोमीटर के आसपास। चल रहे हैं भाई लोगों के साथ। फाइनली आ चुके हैं रोड टू हेवन में। थोड़ा थोड़ा पानी कम हो गया बट हाँ फिर भी ठीक है। पूरा ये भी रणी है यार, पूरा वाइट वाइट है देखो। भाई फाइनली आ चुके हैं 30 किलोमीटर का जो ट्रैक है अपना धोलावीरा वाला, जो कि खावड़ा से चलता है लगभग धोलावीरा यहाँ से 40 किलोमीटर। बट ये 30 किलोमीटर में ना पूरा ये रहेगा रण, पूरा समुद्र है ये, बीच में सड़क है ये। ऐसा सेम रोड मैंने आपको दिखाया था, याद हो तो, रामेश्वर से जब धनुषकोड़ी जाते हैं ना अपने श्रीलंका की तरफ, वहाँ पर एक, और ये पूरा वैसा का वैसा ही है। बट ये लंबा है क्रॉस, जिसे रोड टू हेवन कहते हैं। ये देखो हर तरफ पानी पानी है, देखो काफ़ी पानी है। मेरे को लगा पानी कम हो गया होगा बट यहाँ पे अभी ठीक है, क्योंकि गर्मी कम है ना अभी। अभी एक्चुअली मार्च चल रहा है बट जैसे जैसे गर्मी आती है ना थोड़ा पानी कम हो जाता है, एकदम यहाँ पे भी रण की तरह हो जाता है फिर वाइट वाइट। ये देखो यहाँ पे आई थिंक कुछ चल तो रहा है नीचे, इसको बड़ा कर रहे हैं शायद। सिंगल वे है अभी तो, ये शायद डबल होगा, ये 4 लेन बनेगा तो कुछ ऐसा है, या फिर क्या है ड्रेनेज लाइन, आई डोंट नो, बट कुछ काम चल रहा है। पूरा क्रॉस करना है 30 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा। जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई देखो। फोन अप करो धोलावीरा, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है अपने कच्छ जिले में। सबसे मेन जो यहाँ पे जो आर्ट है आर्कियोलॉजिकल साइट इंडिया में, उसमें से 5वें नंबर पे आता है धोलावीरा। और इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या कुछ है, वो आगे बात करेंगे हम। पहले अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से नज़ारे। इसके पीछे की तरफ म्यूज़ियम है और अंदर की तरफ साइड है। बताते हैं कि 250 एकड़ में ये फैली हुई है लगभग आगे, और लगभग इसमें अभी जो काम हुआ है वो 100 एकड़ के आसपास हुआ है। तो चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं।
आगे एक ब्रिज और क्या देखो भाई कितने व्यूज थे कितने गेट है सारे सारे गेट के बारे में गेट के बारे में दिया हुआ है ये चीजें मिलेगी भाई अपने को अंदर वो ये भी है देखो ये सब पुराने हैं पूरे लाइन से घर है हुआ हुआ दिख रहा है क्या टैंक है हाँ ये है पूरा भाई स्ट्रक्चर 250 एकड़ में फैला भाई ये 250 एकड़ में है और इसका 100 एकड़ में शायद खुदाई हुई है यहाँ पे 2 या 3 गांव मिले हुए हैं तो भाई खुदाई के दौरान क्या क्या निकला हुआ है यहाँ पे देखो कितनी सारी चीज़ें मतलब पोर्ट्रे कर रखी चीज़ें यहाँ पे भी देखो कुछ कुछ निशान बने हुए हैं देखो ये क्या शंख टाइप में दिख रहा है क्या है अलग अलग टाइप के ये ब्रिज के बाहर है भाई मेन जो हड़प्पा सिटी है ना अपनी वो ब्रिज के बाहर है यहाँ से एंट्री गेट है इसका चलते हैं अब अंदर और अंदर देखते हैं क्या क्या है तो भाई मेन तरीके से इसको बताया गया है 4 द्वारों की तरह दक्षिण पश्चिम उत्तर और पूर्व यहाँ पे जो उत्तर पूर्व वाला है ना वो सबसे मेन द्वार माना गया है यहाँ पे क्या हुआ ना जो पूरे किले की घेराबंदी से बना हुआ मतलब इस टाइप से पूरा इसका आर्किटेक्चर है जैसा हमने लखपत फोर्ट देखा था ना उस टाइप से इसको पूरा बनाया गया और 2 द्वार जो मैं बता रहा हूँ वो मेन है यहाँ पे जो पहले के वो थे कंकाल और ये सब ये अवशेष के रूप में बदल गए और यहाँ पे अब वो पूरा जो वो जो चीज़ें खुदाई के दौरान मिली है वो यही चीज़ें मिली है इसी को मतलब ये अवशेष ही है ना जो पुराने थे इसी को यहाँ पे रखा गया और जो भी पुरानी चीज़ें थी ना वो सारी मिली हुई है तो कुछ कुछ बताते हैं यहाँ की कुछ चीज़ें तो दिल्ली में पड़ी हुई है अभी क्योंकि यहाँ म्यूज़ियम का काम चल रहा है और कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी आगे बातें करेंगे जो भी होगा ओ ये तो उससे भी बड़ा लग रहा है तो काफी अच्छा वो दूसरा था वो छोटा है वो दक्षिणी वाला ये पता नहीं और कुछ है और अब बाप रे ये तो खूब बड़ा है उससे ही बड़ा है ये भी दक्षिणी बता रहा है ये तो देखो भाई एक से एक कितने सारे मतलब टैंक बने हुए हैं कोई उत्तर की तरफ कोई दक्षिण की तरफ सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं देखो भाई एक और टैंक आ गया ये सिर्फ टैंक बने हुए हैं पानी वानी कुछ नहीं अनाज भंडार है ये अनाज भंडार है ना इसलिए इसमें बिस्किट डाल देंगे देखो भाई ये अनाज भंडारण के ये यहाँ दक्षिण पूर्व जो इसका सिरा है इस पर ये सारा अनाज भंडारण के लिए जो इनके रहते थे बलवा पत्थर से बनाए हुए वो ये चीज़ें इतने बड़े बड़े थे मतलब पूरा स्टोर करके रखते थे ऐसा होता था ना कि जब कभी अनाज की कमी आती थी तो पहले से स्टोर करके रखते थे इसलिए इतने बड़े बड़े काफ़ी सारा अनाज आता है इसमें तो भाई जैसे ये रहते थे ना कि माणक मोती जिसको कहते हैं अगर बात की जाए तो उसको चमकाने के उसमें बनाने और चमकाने के लिए जो ये रूम बनाते थे ना वो इस टाइप से थे ये वो पुराने वही है
तो यहाँ पे उनको बनाने का और चमकाने का काम होता था। ये एक साइड से वर्कशॉप था उनका, यहाँ पे इनकी क्लास चलती थी, यहीं पे बनाते थे और यहीं पे चमकाते थे वो। तो भाई आई थिंक ये पीछे दूर गए, ये दो मंजिला था ऐसा बताते हैं, और ये पूरा ग्राउंड है, ये पूरा खाली पड़ा ना। यहाँ पे मतलब जो भी एक्टिविटी होती होगी उन लोगों की वो यहीं होती होगी, और इसके जस्ट ठीक सामने मतलब मेरे सामने की तरफ ही है। यहाँ पे ये टाउन था शायद, देखते हैं यहाँ पे भी अभी और आगे पता पड़ेगा, कुछ पढ़ेंगे वहाँ पे भी बोर्ड वगैरह लगे उसके बारे में। मध्यनगर, हाँ भाई ये मिडिल टाउन था ये, और क्या है इसके बारे में खासियत वो देखते हैं आगे। ये भाई मिडिल टाउन का एंट्री गेट है, ये देखो ये वेलकम गेट है टाउन का। आ जाओ ना, तो क्या हुआ शूट में काहे के लिए रुक रहे हो, आ जाओ ना, आओगे तो क्या होगा, कब आएगा टाउन, यहाँ तो खाली हो गया वापस, ये आगे आएगा। ऐसा नज़ारा भाई मिडिल टाउन के अंदर का, मतलब वो ऊपर की तरफ देखा था ना वैसे ही है ये भी, कुछ देखने के लिए तो बस यही है, टूटे फूटे बने हुए अब बचे हुए। बेसिकली बोला जाए तो ये टाउन था बस, वो दुर्ग था सिटाडिल और ये टाउन था। लो केविन भाई, कावी लो कावी लो, तो भाई पूरा कच्छ ज़िला विज़िट करने के बाद अभी आ चुका हूँ अहमदाबाद। पूरा कच्छ या पूरा गुजरात सब कुछ एंड कर रहा हूँ अब मैं, गुजरात सीरीज यहीं से एंड होगा, और पूरा 18 दिन स्पेंड किया गुजरात में, काफ़ी मज़ा आया। और आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताना। तो समापन करते हैं और फिर एक नई सीरीज़ के साथ मिलेंगे, एक नई लोकेशन पर, एक नई जगह पर, एक नई जर्नी के साथ। तो तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहें, और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करना। तो चलते हैं अब यहाँ से नई जर्नी की तरफ, तो नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।